अरगोड़ा चौक के पास किस तरीके से जाम लगता है, यहां भी कुछ दो चार लोग को हमने देखा उस जगह से है, बिल्कुल लगता है कि उन सब जगहों पर लोग रेंगते हुए चलते हैं। गाड़ी छोड़कर के आदमी पैदल जाए तो जल्दी अपने घर पहुंच जाए। आएंगे और सरकार की चीजों को कभी भी लवारिस चीज नहीं समझनी चाहिए। सरकार की चीजों को जब आप अपना संपत्ति समझना शुरू करेंगे तो समझिए सरकार की हर चीज हर लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज तो हम लोगों ने ये शिलान्यास कार्यक्रम रखा है, बहुउद्देशीय योजना के रूप में हमने इस योजनाओं को देखा है, बहुत विचारोपरांत राज के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रहा है। आप सबको मालूम है हमारे इस शहर के बीचों बीच रेल लाइन गुजरती है और इस रेल लाइन से को इस रेल लाइन को पार करने के लिए हमारे इस शहर में गिने चुने फ्लाईओवर हैं। एक जो हम सुजाता चौक के रूप में जानते हैं, एक डिबडी पुल के बारे में जानते हैं, कुछ नामकुम साइड में एक आध पुल है, ओवरब्रिज है, इसके बराबर कैसे फ्लाईओवर बने, इतने बड़े यातायात को कैसे इस तरफ से उस तरफ पहुंचाने का काम किया जाए, जगह का अभाव, काफी घरें बन चुकी हैं, कभी काफी अपार्टमेंट बन चुके हैं और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसके अध्ययन करते हुए हम लोगों ने एक एलिवेटेड फ्लाईओवर की परिकल्पना की और आज ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का काम आज शिलान्यास के रूप में हो चुका, लेकिन इसका सोयल टेस्टिंग और बाकी काम जारी भी है और जैसे कि विभागीय सचिव ने आपको बताया है कि इसको हम लोग बहुत कम समय में बनाने का हम लोगों ने चुनौती लिया है। सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं बल्कि यहां जो भी योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं उन सब योजनाओं में टाइम बाउंड काम कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है उस योजना का। और कटहल मोड़ फ्लाईओवर का भी आधारशिला रखा जा रहा है, कटहल मोड़ में किस तरीके से अरगोड़ा चौक के पास किस तरीके से जाम लगता है, यहां भी कुछ दो चार लोग को हमने देखा उस जगह से है, बिल्कुल लगता है कि उन सब जगहों पर लोग रेंगते हुए चलते हैं, गाड़ी छोड़कर के आदमी पैदल जाए तो जल्दी अपने घर पहुंच जाए, यह स्थिति बनी रहती है। बड़ी तेजी से हमारी बाहर की जितनी सड़कें हैं जो शहर की ओर घुसती है, चाहे वो रामगढ़ की तरफ से हो, चाहे वो टाटा की तरफ से हो, लेकिन शहर में आने के बाद बिल्कुल सकरा सकरा रास्ता होने की वजह से काफी आवागमन में दिक्कतें होती हैं। आज उन सब को ध्यान में रखते हुए सभी सड़कों का चौड़ीकरण, दुनिया भर के जगह जगह लोगों ने अपने व्यक्तिगत घरों में घुसने के लिए ये
एक एक रास्ता बना रखा है, उन सबको एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में लोग जगह जगह से अपना गोल चक्कर से घूम के आए। थोड़ा इसमें हम सब लोगों को भी एक आम नागरिक होने के नाते अपने व्यवहार में भी चलने फिरने में भी हम लोगों को अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी चीजें सरकार कुछ भी बनाएंगी। और सरकार की चीजों को कभी भी लवारिस चीज नहीं समझनी चाहिए। सरकार की चीजों को जब आप अपना संपत्ति समझना शुरू करेंगे तो समझिए सरकार की हर चीज हर लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in